आज की क्लास डी फार्मा फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों के लिए है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके बीच में लेकर के आया हूँ। और टॉपिक भी ऐसा है जो आप पेशेंट को दवा के तौर पे बता भी सकते हैं और अपने खुद आप उसको मार्केट से ला करके प्रयोग में भी ले सकते हैं, आप अपने घर में भी प्रयोग में ले सकते हैं या आप घर पे उसको बना भी सकते हैं। तो कुछ औषधि द्रव्य हैं जिनको मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेन भी करूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप उसको प्रयोग में लेंगे, क्या उसका लाभ होगा और कैसे उसको आप घर पे बना सकते हैं, उसका अनुपान क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर डेली ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जिससे आपको अपडेट मिलता रहे, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और आपको आयुर्वेद के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, जो भी औषधि के बारे में जानना है, वो आप हमको कमेंट में बताते रहिए, ताकि आपके लिए फिर ऐसे ही वीडियो हम आपको बना करके देते रहें। तो आप ध्यान में रहे कि जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको आप टॉपिक वाइज, जो भी डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उसको नोट्स में आप टॉपिक वाइज उसको लिख लीजिए, ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, द्रव्य गुण विज्ञान एवं द्रव्य परिचय। तो द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय आपको आयुर्वेद से अगर फार्मासिस्ट कर रहे हैं, आप फार्मेसी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जो ये आपका फर्स्ट ईयर में मेन सब्जेक्ट है, जो आपको औषधि निर्माण के बारे में बताएगा और कैसे औषधियों का निर्माण किया जाता है, कैसे पेशेंट को कौन सी औषधि आपको देनी है, कैसे आप उसको बनाएंगे। द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय डी फार्मासिस्ट जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं आयुर्वेद से, उनका एक मेन सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर वालों का। लेकिन ये जो टॉपिक है फाइनल ईयर वाले और जो प्रैक्टिस में जो फार्मासिस्ट हैं वो भी ये अच्छी तरह से इसको रिवीजन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ताकि ये औषधि निर्माण जो है आप घर पे कर लें और अपने पेशेंट को, या ये दवा अपने औषधि केंद्र से आसानी से बना करके सेल भी कर सकें। तो जो भी फार्मासिस्ट हैं आयुर्वेद से, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अपने दिमाग में सारे टॉपिक बैठा लीजिएगा या एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको चीजें भूले ना। तो एक एक करके सभी औषधियों के बारे में दिमाग में रखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। जैसे सबसे पहली जो औषधि है उसको मेंशन किया है मैंने, त्रिफला। तो त्रिफला सभी आपने सुना होगा, त्रिफला बहुत सारे ब्रांड हैं, अलग अलग कंपनी वाले अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से त्रिफला को सेल करते हैं। तो त्रिफला का सबसे ज्यादा बेनिफिट आयुर्वेद में माना जाता है। त्रिफला इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये तीन फलों से मिलकर के बना हुआ है, और इसमें जो तीन फल हैं, आंवला, विभीतक और हरितकी, तीन फल होते हैं। जैसे विभीतक मतलब बहेड़ा और हरितकी मतलब हरड़, तो हरड़ या हरे कह सकते हैं उसको। और इसमें जो अनुपात है, आंवला का 3 होता है और बहेड़ा का 2 और हरड़ का 1, मतलब कि 3 भाग आंवला आपको चाहिए, 2 भाग बहेड़ा और 1 भाग हरड़ चाहिए। और रेशियो इसका अनुपात जो है 1:2:3 के अनुपात में आपको ये बनाना है। तो तीनों त्रिफला लिखा हुआ, तो मतलब फल है, तीनों का फल ही लेकर के आप उसको सुखा करके चूर्ण बना लेंगे, और चूर्ण बारीक नहीं, ज्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, दरदरा होना चाहिए। और जिस भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, बदहजमी है, पेट में दिक्कत है और अगर डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, तो त्रिफला आप उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच दे सकते हैं, जिससे उसकी जो समस्या है दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर त्रिफला, जिनके पेट में दिक्कत नहीं भी अगर वो भी लेते हैं, तो उनके शरीर में जो भी परेशानियां हैं, मतलब कि इसका लाभ बहुत ज्यादा है, अनगिनत फायदे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ये लेंगे, जैसे जिनके आंख की रोशनी कम हो, वो त्रिफला चूर्ण को सुबह में पानी में भिगो दे और या शाम को पानी में भिगो दे, और उस चूर्ण को निकाल करके फिर पानी, उसी पानी से सुबह में आंख को धोए, तो उससे आंख की रोशनी भी बढ़ती है। तो आपको बता दिया कि त्रिफला कैसे आप बनाएंगे और इसका प्रयोग कैसे, किस पेशेंट पे करना है, कैसे किसको देना है, और इसकी मात्रा जो है 1 चम्मच या 2 चम्मच ही देनी है, उससे ज्यादा नहीं देना। अनुपान में आप गर्म पानी, ठंडा पानी या दूध आप पेशेंट को बता सकते हो, उसके साथ वो प्रयोग में ले सकता है। दूसरी जो औषधि द्रव्य है वो है कुटजघनवट। तो ये बटी है, मतलब कि गोलियां हैं, और ये भी पेशेंट को आपको देना है। गोली की मात्रा 200 से 500 मिलीग्राम ही पेशेंट को देनी है, और इसका जो अनुपान है
वो नींबू पानी है और ठंडा पानी, नींबू पानी और ठंडा पानी के साथ ये पेशेंट ले सकता है। ये सबसे ज्यादा कारगर है दस्त और पेचिस के लिए। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है या पेचिस हुआ है तो उसमें आप उसको दे सकते हैं दो गोलियां, सुबह शाम वो खाएगा अगर तो उसकी जो ये प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी, दिक्कत जो है पेट की सही हो जाएगी। पेट में सूजन है, पेट में दर्द है, तभी आप कुटज घनवट्टी पेशेंट को दे सकते हो। और ये आप घर पे अगर आपको बनाना है तो सिंपली आप बना करके अपने फार्मेसी में आप इसको सेल कर सकते हो। तो अपने दिमाग में ये रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप ये बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि औषधि निर्माण करना ही आपका काम है। लेकिन फार्मेसी अगर आपको खोलनी है तो दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि पहले तो अगर आप अपने नाम से या अपने नाम किसी भी नाम से अगर आप एक फार्मा खोलना चाहते हैं, अपने नाम से दवा मार्केट में डालना चाहते हो, तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अलग अगर एक दवा की शॉप डालना चाहते हो तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर आप एबल हो दवा बनाने के लिए तो आप एक खुद का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और वो दवा बना करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको चीजें क्या चाहिए, घटक में आपको कुटज की छाल चाहिए 12 ग्राम, कुटज एक औषधि द्रव्य या पौधा है, उसकी छाल आपको 12 ग्राम चाहिए, और जल क्वाथ के लिए 700 से 750 मिलीग्राम चाहिए, और आतिश का चूर्ण आपको 12 ग्राम लेना है, आतिश भी एक पौधा है उसका चूर्ण आपको 12 ग्राम लेना है, और इन सभी को मिला करके पीस लें और उससे बटी बना लेंगे तो वो कुटज घन बटी कहलाएगी। और उसका जो प्रयोग है वो उपयोग जो है दस्त और पेचिस के पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं। और वो पेट में सूजन है या मरोड़ है, ऐठन है, जो भी है, इंटेस्टाइन में अगर दिक्कत है तो ये दवा आप उसको दे सकते हो। मेन जो औषधि है वो आरोग्य वर्धनी बटी, आरोग्य का ही मतलब हुआ ऐसी दवा जो कि रोगी को रोग से मुक्त ही कर दे, कोई रोग होने ही ना दे, तो ये भी आप बना सकते हो। लेकिन इसमें आपको अगर देखें तो इंग्रेडिएंट ज्यादा चाहिए, और इसका जो मेन उपयोग है अगर आप चाहें तो जो व्यक्ति ज्यादा मोटा है या चर्बी ज्यादा हो गई है तो उसको आरोग्य वर्धनी बटी आप दे सकते हैं, बता सकते हैं, या जिसको मल त्याग करने में दिक्कत है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके भी उसको भी आप आरोग्य वर्धनी बटी दे सकते हैं। ऐसे रोगी जिनके मूत्र मार्ग में सूजन है या मूत्र करने में दिक्कत है तो उसको भी आरोग्य वर्धनी बटी आप उसको दे सकते हैं, जिससे उसकी समस्या क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और दूसरी चीज सबसे बड़ा जो बड़ी जो बात है कि पेशेंट इसको यूज कैसे करेगा, तो पेशेंट को यूज करने के लिए इसमें अनुपान तो नहीं बताया गया, लेकिन आप सिंपली पेशेंट को ये बता सकते हो कि इसकी गोलियों को मुंह में रख करके उसे चूसना है, धीरे धीरे चूसेगा तो ये उसका जो रस है वो धीरे धीरे शरीर में मिल जाएगा। और उसी तरह से इसका प्रयोग उपयोग भी करना है, पेशेंट को आपको दे देना है उसको मुंह में चूसने के लिए, उसी तरह से आरोग्य वर्धनी बट्टी को प्रयोग में लेना है, मुंह में रख करके चूसना है। इसकी जो इंग्रेडिएंट है, जो आवश्यक जो घटक है वो जो है पारद है, जो कि 1 भाग चाहिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पारद 1 भाग, गंधक 1 भाग, पारद भी 1 भाग चाहिए और गंधक भी 1 भाग चाहिए, लौह भस्म 1 भाग, अभ्रक भस्म 1 भाग, लौह भस्म मतलब लोहे का भस्म 1 भाग, अभ्रक का भस्म भी 1 भाग चाहिए, ताम्र का भस्म मतलब कि तांबे का भस्म भी 1 भाग, हरड़ का फल त्वक चाहिए, फल त्वक का मतलब उसका फल का ऊपरी भाग आवरण, सबके फल त्वक ही चाहिए कि हरड़ का फल त्वक 2 भाग चाहिए, बहेड़े का फल त्वक भी आपको 2 भाग ही लेना है, आंवला का फल त्वक भी 3 भाग, आंवला का फल त्वक 3 भाग लेना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। गुगलू चाहिए आपको 4 भाग, गुगलू 4 भाग चाहिए, चित्रक का मूल, चित्रक का मूल मतलब चित्रक की जड़ 4 भाग चाहिए, कुटकी बराबर मात्रा में आपको ले लेना है कुटकी, और नींब पत्रक चाहिए, नींब पत्रक मतलब नीम का पत्ता जो कि मर्दन करने के लिए चाहिए, उसमें मिलाने के लिए, तब तो जाकर के आपके आरोग्यवर्धनी आपकी आरोग्यवर्धनी बट्टी बन करके तैयार होगी। इसकी मात्रा आपको 250 ग्राम से 500 मिलीग्राम तक पेशेंट को देना है। तो फिर से आप अपने दिमाग में रखिएगा, जितने भी इंग्रेडिएंट अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इस औषधि का निर्माण कर सकते हैं और ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिनको मोटापा है, चर्बी कम नहीं हो रही है, और जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, जो शरीर से दुर्बल है, जिनके मूत्र मार्ग में सूजन है, मूत्र करने में दिक्कत है, या
मूत्र करने में दिक्कत है या इंटेस्टाइन में गड़बड़ी है, तो उनको आप आरोग्य वर्धनी बट्टी दे सकते हैं। पेशेंट को आप ये बताइएगा कि इसको मुंह में रख करके दवा को चूसना है, और यही प्रयोग विधि भी है, इसी तरह से पेशेंट इसको प्रयोग में ले सकता है। तो तीन जो मेन जो औषधि है मैंने बता दिया, और इसी तरह से बारी बारी से आपको औषधि निर्माण और औषधियों के बारे में बताता रहूंगा, जिससे आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने का मौका मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज दूसरे तक भी पहुंचे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शेयर करेंगे तो जिससे क्या होगा, मेरी जो जानकारी दी गई जानकारी जो है दूसरों तक भी पहुंचेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो चीज आपको नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकें।